हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीत और यहाँ पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप कोविड की जो कोविड वैक्सीन है उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोविन वेबसाइट पे और किस तरह से आप एक ट्रिक है जिससे आपकी शेड्यूलिंग एक इजीली हो सकती है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से आप कोविन जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके लिए काफ़ी ईजी ट्रिक्स है। आपको सिर्फ कि अपना फ़ोन नंबर डालना है और उस फोन नंबर को OTP आएगा। वो OTP आप जैसे ही डालते हो उसके बाद आप उसमें मेंबर्स ऐड कर सकते हो। एक फ़ोन नंबर पर आप 4 मेंबर्स ऐड कर सकते हो और उसी तरह से आप 4 मेंबर का जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो उसी एक नंबर से लॉगिन करके आप शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना यही है कि जब भी आप कोविड की रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको जब भी स्लॉट बुकिंग करना है तो आपको देखना है कि यहाँ पर आपके जो पिन कोड है उसके ज़रिए आपको अपने नज़दीकी सेंटर को फाइंड नहीं करना है। आपको सीधा आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालना है और यहाँ पर अगर आपके नज़दीक कोई सेंटर नहीं है तो अगर किसी दूर के सेंटर में भी आपको वैकेंसी मिल रही है तो आपको वो बुकिंग कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी की कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर जो स्लॉट्स अवेलेबल है वो काफ़ी कम है और यहाँ पर जो 18 से 44 तक की एज वाले ग्रुप के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो भी काफ़ी कम है। तो इसी वजह से आपको जो भी नज़दीक या दूर वाला जो भी सेंटर मिले वहाँ पर आपको शेड्यूलिंग कर देना है। और अगर आप तो भी शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्राई करते हो तो आपको दिन में शाम के टाइम 4 से 6 बजे के आसपास यहाँ पर आपको कोविड का जो पोर्टल है वो लॉगिन करके चेक करना है, क्योंकि वही टाइम होता है जब नेक्स्ट डे या फिर जो नेक्स्ट कुछ दिनों के स्लॉट्स है वो ओपन होते हैं। तो उस टाइम पर अगर आप लॉगिन करके चेक करोगे तो आपको शायद से काफ़ी ईजिली कोई भी स्लॉट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कोविड की वैक्सीन के बारे में। यहाँ पर दो तरह की वैक्सीन है जो इंडिया में अवेलेबल है। पहली जो है वो है कोवैक्सीन और दूसरी जो है कोविशील्ड। अब यहाँ पर कोविशील्ड जो है वो सबसे ज़्यादातर इंडिया में दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कोविशील्ड है उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इंडिया में जो कोविशील्ड की अवेलेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन। अब यहाँ पर ये दोनों वैक्सीन जो है उसकी इंग्रेडिएंट्स और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही आपको कोविड से प्रोटेक्शन में ज़रूर से मदद करेगी। यहाँ पर आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों में से जिसके भी स्लॉट्स अवेलेबल हो वहाँ पर आपको बुकिंग कर देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप पहला डोज लेते हो कोविशील्ड का तो दूसरा डोज भी आपको कोविशील्ड का ही लेना है। आपको दूसरे डोज में वैक्सीन चेंज नहीं करनी है, सेम वैक्सीन के दो डोज लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेकेंड डोज भी लेते हो तो उसमें सेम ही डोज होता है जो पहली बार आपको दिया जाता है, लेकिन आपको वो डोज एक महीने के बाद दूसरी बार दिया जाता है ताकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके मेमोरी सेल्स होते हैं वो मेमोरी सेल्स इस वायरस को यहाँ पर मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और उसके बाद वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें कोविड वैक्सीन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक तरह से इस वायरस को और इस तरह के वायरस को रिकग्नाइज करके इसके रिलेटेड जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमने अगर कोविड की वैक्सीन ले ली है तो उनको कोविड नहीं होगा या फिर उनको इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वैक्सीन लेते हो तो आपके शरीर के अंदर उस वायरस के होने पर एंटीबॉडीज अवेलेबल होगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोविड होने के चांसेस पहले जितने थे उतने ही हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बेनिफिट है कि आपकी जो कंडीशन है वो अगर आपने वैक्सीन नहीं ले है तो उस कंडीशन में अगर आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आपकी हो सकती है एज कम्पेयर टू अगर आपने वैक्सीन ली है तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है वो आपको सेव कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम सभी को कोविड की जो वैक्सीन है वो लगानी चाहिए। और यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने आसपास के कई सारे लोग जो कोविड की वैक्सीन के बारे में कई सारे गलत धारणा लेके बैठे हैं मन में, तो उन सभी को समझाए कि कोविड वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी है और इसकी वजह से आप अपने आप को, इसके साथ ही आप अपने फैमिली को और उसके बाद पूरी सोसाइटी को आप एक तरह से आप सेफ करते हो। तो यहाँ पर आपको कोविड वैक्सीन का स्लॉट जब भी अवेलेबल हो आपको वो लेनी चाहिए। और यहाँ पर कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स जो है वो आपको दिख सकते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइल्ड फीवर हो सकता है या फिर आपको बॉडी में कई वीकनेस दिख सकती है, लेकिन वो हमारा जो बॉडी है वो इस कोविड की जो वैक्सीन हमने इंजेक्ट की है
उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस वजह से हमें जो हमारे बॉडी के ऊपर ये जो रिएक्शंस दिख रहे हैं वो हमें दिखते हैं। ये एक्चुअल में रिएक्शंस नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होती है और इस वायरस को रिकग्नाइज करके इसके रिलेटेड एंटीबॉडीज को डेवलप करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा वैक्सीन का खेल है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए होता है। तो इसी वजह से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन जो भी पोर्टल है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए उनका वैक्सीन शेड्यूल करने में और उनको मोटिवेट कीजिए वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन एक ऐसा उपाय है हम लार्जली पॉपुलेशन को दे सकते हैं और इसी से हम एक तरह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। इसी वजह से जो यहाँ पर आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इसी एक रीज़न से हमने यहाँ पर इस कंडीशन में पहुँचे हैं। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनको वैक्सीन लेने के लिए मोटिवेट कीजिए और उनको हेल्प कीजिए, और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे क्लियर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि वैक्सीनेशन सेफ है और यहाँ पर वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कई सारे यूजफुल लिंक्स यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन हमारे बॉडी में वर्क करती है और यहाँ पर उसके साथ ही कोविड हमारे बॉडी में किस तरह से एंटर होता है। ये सभी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आप टाइम निकाल कर देख सकते हो ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये पूरा जो कोविड का फंक्शनिंग है, किस तरह से ये पूरा कोविड जो है वो हमारे